आज क्या कांग्रेस उसी तरीके से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर कर करेगी? इससे पहले जो तस्वीर हमने देखी, जब ईडी के सवालों का सामना करने के लिए ईडी के दफ्तर राहुल गांधी पहुंचे थे, अब देखिए इससे जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। बिग बॉल पर इंफॉर्मेशन देंगे, नेशनल हेरल्ड का ये पूरा मामला है जिसको लेकर के सोमवार, मंगलवार, बुधवार लगातार राहुल गांधी से पिछले हफ्ते पूछताछ हुई थी। अब तक 3 दिन में 30 घंटे तक की लंबी पूछताछ राहुल गांधी से हुई है। कई सवालों के जवाब ईडी ने राहुल गांधी से लिए हैं और आज 4th दिन की पूछताछ होगी जिसमें राहुल गांधी को कई सवालों का सामना करना है। अभी भी ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कई सवाल अभी भी इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। अब तक 50% ही सवाल जवाब हो पाए हैं ईडी के ऑफिसर्स ने जो सवाल जवाब राहुल गांधी से किए हैं, और जांच एजेंसी के अफसर जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सूत्र ये बताते हैं कि जो सवाल ईडी की ओर से पूछे गए राहुल गांधी से, वो जवाब जो आया राहुल गांधी का, उससे ईडी के ऑफिसर संतुष्ट नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है वो हम सीधे आपको बताते हैं। ईडी ऑफिस पहुंच गए राहुल गांधी। अभी से थोड़ी देर पहले हमने आपको अपडेट दी थी कि अपने घर से निकल चुके, 11 बजे का समय दिया गया था, हालांकि थोड़ा लेट है राहुल गांधी, ईडी दफ्तर पहुंचे हैं राहुल गांधी। नेशनल हेरल्ड केस में कई सवालों का जवाब अभी भी राहुल गांधी को देना है। और देखिए ईडी से राहुल का सामना आज एक बार फिर से होगा, 4th बार ये समय जब ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर जाना पड़ रहा है। अब देखिए आपको जो जरूरी जानकारी हम दे रहे हैं, जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं उसके बारे में। पहले दिन क्या सवाल पूछा गया राहुल गांधी से? पहले दिन ईडी की ओर से सवाल पूछा गया कि आपका किस किस बैंक में अकाउंट है। सबसे बड़ा सवाल जो ईडी की ओर से था कि पहले अकाउंट डिटेल्स राहुल गांधी से जुड़ी जो है वो मिले। उसके बाद जो दूसरा सवाल था, यंग इंडिया में कितने डायरेक्टर शामिल थे, ये सवाल भी राहुल गांधी से पूछा गया। तीसरा सवाल था कि क्या आप यंग इंडिया से जुड़े तो कैसे जुड़े, किस तरीके से यंग इंडिया के साथ आपका कनेक्शन है, ये बताने के लिए कहा गया ईडी की ओर से। और साथ ही कितने रुपए में कंपनी आपने ये एस्टैब्लिश की, खड़ी की, एजेएल पर कितने रुपए की देनदारी थी, ये बड़ा सवाल राहुल गांधी के लिए था। एजेएल में आपकी कितनी हिस्सेदारी है, ये वो सारे सवाल हम आपको बता रहे हैं जो कि ईडी के अधिकारियों ने अभी तक राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछी है। एजेएल की खरीद में मोड ऑफ पेमेंट क्या था, किस तरीके से पेमेंट किया जाता था, ये भी पूछा गया। एजेएल खरीदने के लिए पैसा आखिर कहां से आया, राहुल गांधी ने इन सवालों का जो जवाब दिया हालांकि उससे ईडी के ऑफिसर संतुष्ट नहीं है। किस अकाउंट में पेमेंट किया था, यह भी राहुल गांधी से पूछा गया। अगला सवाल था कि हेरल्ड को कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए दिए थे या नहीं, ये सवाल जिसका जवाब राहुल गांधी ने जो दिया उससे ईडी के ऑफिसर संतुष्ट नहीं थे। एजेएल को लोन क्यों दिया गया था, यह भी सवाल पूछा गया। दूसरे दिन की जो सवाल जवाब हुई उसमें पूछा यह गया कि एजेएल के कितने शेयर आपके पास थे, राहुल गांधी के लिए सवाल था। और उसके बाद एजेएल के शेयर आपने कितने में खरीदा, शेयर्स कितने में राहुल गांधी की ओर से खरीदे गए, ये पूछा गया। और शेयर 10 रुपए में या फिर 100 रुपए में खरीदे गए, राहुल गांधी के लिए ये भी सवाल था। शेयर के लिए आखिर पेमेंट कैसे किया था, पेमेंट का मोड क्या था, भुगतान किस अकाउंट में किया गया था, सबसे पहला जो सवाल था कि आखिर कौन कौन से बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं और उसके बाद किस अकाउंट का यूज किया गया था पेमेंट करने के लिए। यंग इंडियन का डॉटेक्स कंपनी से क्या कनेक्शन है, ये भी पूछा गया। और पैसा ट्रांसफर होने के बारे में कोई जानकारी है या नहीं, ये भी राहुल गांधी से पूछा गया। अगला सवाल ये था कि डॉटेक्स कंपनी से यंग इंडियन ने लोन लिया था क्या, उसके बाद डॉटेक्स कंपनी ने 1 करोड़ का लोन दिया था, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ईडी के ऑफिसर्स की ओर से राइज किए गए थे, रेज किए गए थे राहुल गांधी के लिए। और आगे पूछा गया कि इसी लोन के 50 लाख कांग्रेस को दिए गए। सिलसिलेवार तरीके से अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें जो सवाल पूछे गए राहुल गांधी से वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए तीसरे दिन के सवाल जवाब क्या थे, एजेएल को दिए गए 50 लाख रुपए कहां से आए, राहुल गांधी को से पूछा गया। क्या एजेएल को भुगतान के बदले उन्हें नेशनल हेराल्ड की संपत्ति मिल जाएगी, देखिए ये वो सवाल थे ईडी के ऑफिसर्स की, उसे बकायदा एक सूची तैयार की गई थी इन सवालों की, और इन सवालों के जवाब अभी भी नहीं ठीक से मिल पाए,
इसलिए आज फिर से ईडी के सामने पेश होना राहुल गांधी को। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी किस वजह से बनाई गई ये पूछा गया। क्या एजेएल के टेक ओवर के वक्त मैनेजमेंट कमिटी से कोई मीटिंग भी हुई थी, कोई मुलाकात भी हुई थी? तो समीर ये वो बड़े सवाल राहुल गांधी के लिए तैयार थे ईडी की ओर से, और शायद इन सवालों का जवाब अभी तक ठीक से राहुल गांधी ने नहीं दिया है, इसलिए 30 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आज चौथा दिन जब एक बार फिर से सवालों का सामना राहुल गांधी करेंगे।